नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलडीसी एग्जाम 2018 को लेकर, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो सर्वप्रथम तो सभी को होली का राम राम, और जिन अभ्यर्थियों का एलडीसी एग्जाम 2018 में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से और एग्जाम क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इसमें आपको एक संशय था कि जो डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं रैंडमली मिलने वाले हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। एक विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है इसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं, और किस विभाग में कितने पद खाली है, कौन कौन से विभाग है और किस विभाग को आपको चुनना चाहिए, इसको इस पूरी बात को लेकर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये पता चले, और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये नोटिस देख लेते हैं कि एक खबर आ रही है, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट कलर्क की नियुक्ति ऑनलाइन काउंसलिंग से होने वाली है, और सीएस का फाइल पर अनुमोदन, आईटी व एआरडी को बनाया नोडल, 7 दिन में पूरी करनी होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग की दोनों विभाग करेंगे मॉनिटरिंग, यानी कि सीएस यानी कि सचिवालय विभाग इस पर अनुमोदन कर चुका है, और आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग है, और एआरडी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कोऑर्डिनेशन यानी कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग है। इस दोनों को इसका कार्यभार दिया गया है, और इसमें जो काउंसलिंग चलने वाली है ऑनलाइन ही चलेगी। और इसमें एक नोटिस और है, इसमें अपन देख लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट कलर्क की नियुक्ति ऑनलाइन काउंसलिंग से होने वाली है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सीएस का फाइल पर अनुमोदन हो चुका है, आईटी व एआरडी को बनाया नोडल, 7 दिन में पूरी करनी होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग की दोनों विभाग करेंगे मॉनिटरिंग, काउंसलिंग के जरिए पूछी जाएगी चॉइस और चयनित अभ्यर्थियों से मांगा जाएगा ऑप्शन, जिले के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर ही जाएगी नियुक्ति, यानी कि जिनके जितने नंबर है उनके आधार पर नियुक्ति की जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनका बढ़िया नंबर है उनको फ़ायदा होने वाला है, होम डिस्ट्रिक्ट उनको मिलने वाला है, और अच्छा डिपार्टमेंट भी उनको मिलने वाला है। इसमें अपन हम ये चर्चा कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आपकी है किस डिपार्टमेंट में। देखिएगा इसमें मेरे पास एक पीडीएफ ही है, पीडीएफ में आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी विभाग है, इसमें सबसे ज़्यादा पद किस में है। सर्वप्रथम देखिए कौन सा पद है, इसमें आपके सर्वाधिक जो पद है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर में है, 5,733 पद है, यानी कि शिक्षा विभाग के अंदर पद है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जल संसाधन विभाग है, 434 पद है। वाणिज्य कर विभाग 336 है। अभियोजन विभाग 333 है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग 212 है। आयुक्तालय कॉलेज विभाग 193 है। कृषि निदेशालय 149, आबकारी विभाग 124 पद हैं। इसमें देखिएगा आपको कौन सा पद लेना चाहिए। वैसे तो जो पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आगे, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर जो शिक्षालय विभाग उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा उनके लिए आयुक्तालय कॉलेज विभाग भी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे टाइम जो होगा, जो स्कूल का टाइम होता है वही होगा, और छुट्टियां भी ठीक ठाक बढ़िया मिलती हैं इनके अंदर। और कार्य तो देखिए सभी विभाग में रहने वाला ही है, कार्य तो देखिए करना पड़ेगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो ऐसा मत सोचना कि हमें कार्य नया करना पड़े, ठीक है। वैसे इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में छुट्टी वगैरह बढ़िया तरीके से मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें, परंतु तो और डिपार्टमेंट के अलावा एक इसमें जिला कलेक्ट्रेट विभाग भी है, क्योंकि इसमें जिला कलेक्ट्रेट ऑफिसर के अंदर रहना होगा उसके। हालांकि इसमें रेपुटेशन बढ़िया होगी, परंतु इसमें नियमित कार्य करना पड़ेगा, यानी कि नियमित रूप से आना पड़ेगा, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है बेफालतू वगैरह की। और इसके अलावा आबकारी विभाग भी बहुत बढ़िया है, और सामाजिक न्याय विभाग है ये भी बहुत बढ़िया है, अच्छा विभाग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कृषि निदेशालय भी बढ़िया विभाग है, और वाणिज्य कर विभाग भी बढ़िया है, अभियोजन विभाग भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु आपके ऐसा है कि आपके नज़दीकी कोई विभाग है पढ़ रहा है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, या आपके नज़दीक कोई भी विभाग है तो आप उसको चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादा नज़दीकी आके अगर आपके पास होगा तो आप इसमें आना जाना और आसानी रहेगी। अगर बाहर कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है आपके घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में, तो आना जाना नहीं रह सकता। और इसके अलावा आपको, इसके अलावा भी काफ़ी विभाग है, उन विभागों को मैं बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और विभाग देख लेना। अब उसमें पीडीएफ में कौन कौन से विभाग है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा इसमें ये निम्न प्रकार के विभाग, ये वो लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इसकी अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर विभाग का नाम दे रखा है, और अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो सारे दे रखे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में मैं इसको डाल दूंगा। तो इसमें अलग अलग पद दे रखे, जैसे जिला कलेक्टर बाड़मेर है, टोटल 85 पद दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आगे अलग अलग इसमें सामान्य और इसमें अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया। इस प्रकार शुरू के जो पद है जिला कलेक्टर के पद हैं, ये भी बढ़िया पद होते हैं कलेक्टर के, क्योंकि इसमें बंदे की रिपुटेशन बढ़िया होती है। इसके अलावा स्थानीय आयुक्त जयपुर में है, एक चार पद है, जिला कलेक्टर भरतपुर में अलग अलग पद दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा पद है इसमें माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पद हैं, 5,733 पद है जो मैंने बताए थे। इसके अलावा आयुक्ताला कॉलेज के अंदर 193 पद है, समेकित बाल विकास सेवाएँ हैं 19 पद में, काफ़ी डिपार्टमेंट हैं इसमें दे रखे हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग है जयपुर है 434 पद है, DYTC, यानी कि आपको अगर आप अच्छी तरह से चॉइस करेंगे तो आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं अच्छी तरह से नहीं भर पाते हैं डिपार्टमेंट को, तो उनको डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता। जैसे ग्राम पंचायती राज जयपुर है, पश्चिमी CAD बीकानेर, यानी कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ काम नहीं होता ज़्यादातर, फिर भी यानी कि LDC वगैरह चाहिए होती है उनको, तो ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता। जैसे जिला कलेक्टर अजमेर है, कलेक्टर में तो देखिएगा वर्कलोड होता ही होता है, क्योंकि इसमें पाबंदी होती है, यहाँ पर समय पर जाना और आना होता है। पेंशनर्स विभाग वेलफेयर जयपुर है, नियंत्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसमें आप इसकी PDF डाउनलोड करके वहाँ से देख लेना अच्छी तरह से, और आप अच्छी तरह से एक अच्छे डिपार्टमेंट का चयन कीजिएगा, और जो आपके घर से काफ़ी नज़दीक हो वो भी आप देख लेना, क्योंकि नज़दीकी तो गांव में रह रहे हैं तो तहसील स्तर पर डिपार्टमेंट है, या कोई स्कूल के अंदर माध्यमिक शिक्षा की है, स्कूलों में LDC लगाए जा सकते हैं, तो उनका वो भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर है, TDA है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट के नाम तो अपन जानते नहीं है कौन कौन से पद से। होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग है, ये एक पद है परंतु ये बढ़िया पद है। यूनानी चिकित्सा विभाग है, CAD चंबल कोटा है, ये विभाग बहुत बढ़िया विभाग है। ये सहकारिता विभाग है, इसके अलावा देखिए वन रक्षक है, काफ़ी विभाग दे रखे हैं। इनको आप अच्छी तरह से चूज करके जो आपकी चॉइस मांगी जाए तब से आप उनको अच्छी तरह से भर देना। टोटल मिला के ये 75 विभाग ये हो गए, और इसके अलावा देखिए बता देता हूँ मैं आपको, और ये कुल 35 विभाग ये है, ये देख लेना आप कौन कौन से पद हैं। इंदिरा गांधी नेहरू मंडल जयपुर है, राष्ट्र राज्य मानवाधिकार जयपुर है, और राज्य उपभोक्ता विभाग विवाद प्रतिष्ठान है, लोकायुक्त है, काफ़ी पद इसमें दे रखे हैं। तो आपको अच्छा लगे जो पद है आपकी चॉइस और विवेक के अनुसार ही भरना। वैसे तो मैंने 5-7 पद थे वो बता दिए थे, अब कौन किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है वो उनके भरने पर डिपेंड करेगा, और अच्छे नंबर आकर उसके हैं, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं तो उसके अनुसार ही उसको गृह जिला नज़दीक की भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, और आपकी कोई समस्या वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैंने बड़ी बड़ी बात बता दी है, जब भी इसकी काउंसलिंग शुरू होगी ऑनलाइन तो मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा कोई आपकी सूचना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।